आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को दी श्रद्धांजलि। माता वैष्णो देवी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए दर्शन। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन सीमा पर जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। कानपुर में राज्य मंत्रियों ने किया पालिका स्टेडियम का निरीक्षण, बजट पर अधिकारियों से ली जानकारी। मैनपुरी में प्रसिद्ध पूज्य महाराज जी की प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर हुई बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। आज शारदीय नवरात्रि की नवमी है, जहां पर घरों और मंदिरों में हवन पूजन किया जा रहा है। वहीं सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद उन्हें गुरुग्राम वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य दलों ने धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह जल्द स्वस्थ होंगे, इसके लिए दुआएं का दौर जारी है। कहीं हवन और तो कहीं पूजा हो रही है, तो कहीं हनुमान चालीसा का जाप किया जा रहा है। वहीं औरैया जिले में भी सपा संरक्षक के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह की फोटो को रखकर मंदिर में हवन पूजन किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करी। अयोध्या में नवरात्रि के दिनों में नगर पंचायत बीकापुर में मां की पूजा अर्चना के साथ साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा। नगर पंचायत चुनाव आगे आने वाला है, इसको लेकर चेयरमैन जुग्गी लाल यादव एक्शन मोड में दिखाई दिए। इसी के साथ वो मां के से सजे हुए दरबार में गए और भक्तजनों से की भीड़ में उनसे रूबरू हुए, उनका आशीर्वाद लिया और अध्यक्ष पद की तैयारियों में लग गए। हम धन्यवाद देते हैं माता जी की प्रतिमा हर जगह बैठा कर जिस तरह पूजा पाठ किया जा रहा है, श्रद्धा भाव से बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह जो है पंडाल लगे हैं, जगह जगह जो है भक्तों के भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। द्वारा जो है व्यवस्था किया गया है अग्निशमन की जो है कोई घटना ना होने पावे, सारी व्यवस्था नगर प्रशासन देख रहा है। साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में एक टैक्सी चालक की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। घटना की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने कार से एक बैग, कुछ कागजात सहित कैंची का टुकड़ा भी मिला है। आपको बता दें कि कार में मिले सबूतों के आधार पर अज्ञात बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ओन लगाया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा भी हो जाएगा। ये देखिए, पुलिस को लगभग 10:30 बजे अपने गश्त से लौट रहे हमारे दो बीट के आरक्षी जो थे, उनको अचानक सूचना प्राप्त हुई कि कहीं पे एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। जैसे उस लावारिस गाड़ी के पास पहुंचे हैं तो गाड़ी का नंबर देखने पे जानकारी हुई कि यह गाड़ी संख्या UP 56T 5650 इसमें, और इसके ड्राइवर थे श्रवण पाठक, वो घायल अवस्था में गाड़ी से निकले थे और यहाँ स्थानीय लोगों ने उनको तत्काल देखा। पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के उनकी स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल पास के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर अभी उनकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। बुलंदशहर में अपराध के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद फरार हो गए। वहीं पुलिस ने जवाबी हमले में एक बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। अलीगढ़ में दिल्ली पुलिस ने CA NRC के विरोध के दौरान दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस को बिना सूचना दिए और मदद लिए वसीम को गिरफ्तार किया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने वसीम को ढाई साल बाद थाना बंदा देवी क्षेत्र के सराय
रहमान तकियावाली से गिरफ्तार किया है। लखनऊ में बीकेटी थाना क्षेत्र में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से जोर का धमाका हुआ, जिसमें घर में मौजूद लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में आउटर में हुए हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें शव ज्योड़ी घाट पर अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से पहुंचे हैं। जैसे ही एम्बुलेंस घाट पर पहुंची, इंस्पेक्टर और पुलिस वालों ने मिलकर शवों को कंधा देते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद चारों तरफ पुलिस के इस काम की सराहना हो रही है। आपको बता दें कि कानपुर के आउटर में हुए हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली की आपसी भिड़ंत हुई थी, जिसमें शव देवरी घाट पर अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से पहुंचे हैं। जैसे ही एम्बुलेंस घाट पर पहुंची है, वहां लोगों का तांता भी लग गया और पुलिस वालों ने मिलकर शवों को कंधा देते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद चारों तरफ पुलिस के इस कार्य से उनकी तारीफ हो रही है। इस खबर पर हमारे साथ सागर थापा मौजूद है। सागर, 26 लोगों की मौत हो गई थी इस हादसे में और आज उनके अंतिम संस्कार के लिए घाट पे उनका शव पहुंचा, जहां पे इंस्पेक्टर और पुलिस वालों ने उनको कंधा देकर एक सराहनीय कार्य किया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी मनीष, बिल्कुल बेहतर तौर से आपको बता दूं कि जो कानपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसमें सीएम योगी से लेकर तो तमाम शासन के जो लोग हैं, उन्होंने एक शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पुलिस बल ने भी बहुत ही बेहतरीन सराहनीय कार्य किया है। इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो लाशों का अंबार है, 27 लोगों की मौत हो गई थी इसमें, उसके बाद जो है गांव में एक मातम सा छा गया था, इलाके में मातम सा छा गया था और पूरे बात करूंगा पूरे प्रदेश में ही जो हर एक राजनीतिक पार्टी है, इसने एक शोक संवेदना व्यक्त की थी। आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस वाले जो है लाशों को कंधा दे रहे हैं उन्हें, और उनके जो शमशान घाट से लेकर जो कब्रिस्तान है वहां तक पहुंचा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का जो चेहरा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अमानवीय ढंग से भी लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, लेकिन आज जो यूपी पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें बेहतर तरीके से उसने मानवीय चेहरा, आप देख सकते हैं कि मानवीय चेहरा दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यशैली पे लोग सवाल उठाते हैं उनको भी एक कड़ा तमाचा पुलिस की तरफ से मिला। जी, पुलिस के ओर से बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया था। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमेठी में नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी की रात को प्रसिद्ध उद्योगपति भाजपा नेता व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी और राजेश मसाला परिवार के सौजन्य से रामलीला समिति के द्वारा आयोजित अमेठी कस्बे के ककवा रोड पर माता रानी का विशाल जगराता आयोजित किया गया था। इस जागरण में नई दिल्ली से आए हुए विश्वविख्यात गायक टी सीरीज के भगत किशोर और मुंबई से आई हुई बॉलीवुड सिंगर मेघा किशोर ने अपने सुरों का समा बांधा। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की झांसी ने लोगों का मन मोह लिया। ये रामलीला समिति द्वारा आयोजित और राजेश मसाला परिवार द्वारा स्पॉन्सरशिप के तहत माता का जगराता का कार्यक्रम किया गया है और इसके साथ साथ राजेश मसाला परिवार की तरफ से राघव राम सेवा संस्थान के माध्यम से 5 गरीब असहाय और पीड़ा से ग्रस्त बीमारी से लाचार व्यक्तियों की मदद की गई है। बुलंदशहर में एक युवक को रंजिश के तहत बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी कुछ लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार के लोगों न्याय के लिए थाने गए। वहीं पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी तक पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। पीड़ित परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और न्याय की गुहार भी लगाई। SSP के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसको क्या करना कि वहाँ गाँव ढूंढ चौरा है, अपनी सब बहनों को छोड़ना,
अभी परे से लौटा, तो परे से लौटने पे से दो बाइकों पे घेरा। अच्छा, किन लोगों ने घेरा? एक साबिर नाम का। कहाँ के रहने वाले थे वो? है वहाँ का दादरी का। और दूसरा? दूसरा आस मोहम्मद, वो यहीं का ही है। अच्छा, तो इस चीज की पुलिस में तहरीर? उसका जमाई है खुर्जे का। अच्छा अच्छा, तीन जनों ने? अरे एक पहचान में आया ना। अच्छा, तो इस बारे में आपने पुलिस को अवगत कराया? करा। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी कुछ ना हुई है। खबर हरदोई से, जहां क्राइम टीम एसओजी पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के तीसरे आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले होमगार्ड और उनकी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर अज्ञात युवकों ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो वहीं हरदोई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जाँच में जुट गई है। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई मुखबिरों द्वारा कि यह जो है संडीला की तरफ से हरदोई जाने के फिराक में है और संभवतः ट्रेन से बैठ के भाग जाएगा। इस पर मेरे द्वारा टीमें लगाई गई थी थाना लालपुर चौकी लालपालपुर के आसपास। शीघ्र ही एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसको रोकने पर वो रुका नहीं। वो सड़क के दाहिनी तरफ मोटरसाइकिल उतार के भागने की फिराक में था, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। उसने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जो कि उसके पैर में लगी और हिकमत अमली से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसका इलाज वर्तमान में इमरजेंसी में कराया जा रहा है। हरदोई में आईपीएल गुरु के नाम से मशहूर सट्टेबाज भी अब सफेदपोश बनने को बेताब हैं। वहीं नगर पालिका चुनाव की घोषणा से पहले ही सट्टेबाज ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और वार्ड नंबर 5 मंगली पुरवा में जगह जगह होर्डिंग लगा दी हैं, ताकि वह आम जनता की नज़र में अपनी ओर खींच सके और आम जनता की नज़र में आ सके। तो वहीं आईपीएल गुरु के नाम से मशहूर सट्टेबाज करीब 6 साल पहले बेरोजगार था, लेकिन चंद सालों में ही यह क्रिकेट सट्टे से जाना माना नाम बन गया। खबर कानपुर से, जहां निर्माणाधीन पालिका स्टेडियम का ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की औचक निरीक्षण कर अधिकारियों से बातचीत कर प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी ली। वहीं इस मौके पर विधायक सुरेंद्र मैथानी समेत बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया और स्मार्ट सिटी के तहत स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाएगी। मैनपुरी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रहना उचित नहीं है। जनता को जागरूक होना होगा और खुद आना जाना भी होगा, क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि समस्याओं का समाधान केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। आपको बता दें कि श्रीराम कथा गायन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने प्रेस के साथ वार्ता की। वहीं महाराज जी ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता में बात भी की। खबर आए बरेली से, जहां पर कप्तान साहब अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल स्कूल के 2 छात्रों को गुज्जर गैंग के लोगों ने डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। वहीं मौका देखते ही लोग मौके से फरार हो गए। दोनों छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालात गंभीर देखते हुए छात्रों को अस्पताल में पहुँचाया। थाना अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जाँच की जा रही है। रायबरेली में आगामी त्यौहार को देखते हुए सदर एसडीएम शिखा संखवार और सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में आतिशबाजी का सामान बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान आतिशबाजियों के लिए बताए जा रहे पटाखों के लिए मानक निर्धारित किया गया है, उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं सीओ सिटी वंदना सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए लाइसेंस में भी मानक दिए गए हैं। मैं और हमारे सीओ सिटी मैडम के साथ जो त्योहारों के दृष्टिगत जो हमारी चेकिंग चल रही है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके, इसके अंतर्गत हम लोग जो आतिश जो निर्माण जहां पर कार्य हो रहा है और जहां पर विक्रय हो रहा है, उनकी रेगुलर चेकिंग की जा रही है, ताकि वो मानक के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं,
और हम लोग के वहाँ के स्टॉक वगैरह भी देख रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी स्टैंडर्ड के अनुरूप ही पाए गए हैं और उनको हिदायत दी गई है कि मानक के अनुरूप ही और जो भी परमिशन लिमिट है उसके अंदर ही और सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप ही आप निर्माण कार्य और विक्रय का कार्य करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम।